शुभोदय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट आठ, लालची बंदर। लालची बंदर, इस पार्ट का प्रमुख उद्देश्य है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। इस पार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें लालच नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। लालच, लालची, लालच मतलब जिसे ज्यादा लालच हो, मतलब ग्रीडी, अंग्रेज में हम बोलते हैं ग्रीडी। ग्रीडी मंकी, ग्रीडी मंकी, बंदर ने क्या किया है, क्या लालच करने से बंदर को क्या हुआ है, ज्यादा लालच करने से क्या होता है, हम इस पाठ के द्वारा जानकारी करेंगे। इस पाठ, इस कविता को हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। लालची बंदर कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, एक बार मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। देखो, एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा, हाँ घड़ा भी भूने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। फिर दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा, हाँ घड़ा भी भूने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, और लालची बंदर मन से चना ने छोड़ा जाता था, चना ने छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यहाँ बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। देखो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कविता पढ़ते हुए। देखो एक बार, एक समय की बात बताऊं, एक समय मतलब एक समय की बात है, कई दिनों का भूखा बंदर, बंदर बंदर मतलब मंकी, लालची, ग्रीडी बंदर, मंकी। एक समय की बात बताऊं, एक समय का बात बता रहा हूं, ये कई दिनों का भूखा बंदर, कई दिनों से बंदर मंकी भूखा है। भूखा मतलब एंग्री, खाने को कुछ पा जाने को, खाने को कुछ भी नहीं मिला है, कई दिनों से भूखा बंदर है, बहुत एंग्री है। घूम रहा था इधर उधर खाने के लिए, कुछ चीजें ढूंढ रहा था खाने के लिए, कुछ अनाज ढूंढ रहा था, उस अनाज के लिए इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सुने, सुने जहां कोई न हो, सुने जहां कोई न हो। दिया दिखाई उसको सुने, सुने जा घर में कोई नहीं है, घर में रखा एक घड़ा, घर में कोई नहीं है, उस घर में जाकर देखे तो एक घड़ा, घड़ा दिखाई देता है।
हर घड़ा के बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। एक सुना घर तो मिला है, इधर उधर बुने से घड़ा दिखा दिए हैं। घड़ा भी बुने हुए, बुने मतलब रोस्टे, बुने हुए कुरमुरे, कुरमुरे में क्रीस, कुरमुरे क्रीस, कुरमुरे चनों से भरा पड़ा, चनों से भरा पड़ा ये घड़ा दिखाई दिया। दोनों हाथ साथ बंदर ने क्या किया है, भूखा है बंदर, बहुत दिनों से भूखा है, इसलिए उसको घड़ा दिखाई देता है, तो दोनों हाथ ले जाकर उस घड़े में डाल देता है। दोनों हाथ साथ बंदर ने वैसा दोनों हाथ उठाकर उस घड़े में डाल देता है। फौरन दिए घड़े में डाल, फौरन, फौरन मींस इमीडिएटली, क्या किया है, सोच विचार कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ उस घड़े में डाल देता है। चने भरी मुट्ठियों को वहां, चने भरी मुट्ठियां निकालने के लिए वहां प्रयत्न कर रहा है, लेकिन पाया नहीं निकला, हाथ अंदर चले गया, बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पाया नहीं निकला। दोनों हाथ घड़े में डाल दिया, मुट्ठी भरकर चने निकालने के प्रयास किया, लेकिन हाथ बाहर नहीं आ पाया। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, घड़ा का मुंह तो बहुत छोटा था, और लालची बंदर मन से चना न छोड़ा जाता था। कई दिनों से भूखा है, चने हैं उसमें, घड़ा का मुंह छोटा है, दोनों हाथ डाल दिया, बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वह चना भी नहीं छोड़ना चाहता था। फिर कोशिश करते करते, कोशिश प्रयास कर रहे चना निकाल कर कुछ खाने के लिए प्रयास कर रहे, लेकिन वह हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा है। बहुत लग गई उसको देर, बहुत समय लग गया है, टाइम ज्यादा हो रही है, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। जब तक कोई नहीं है, अब तो बाहर से घर के मालिक आ रहे हैं, मालिक, मालिक आते हैं यहाँ पर स्वामी ओनर, स्वामी घर का मालिक आ रहे हैं, डंडा लेकर आ रहे हैं, आप बताइए कुछ बचा सकती हो, क्या होता है मन में, आप कुछ सोच तुम ही सकते हो, आप ही सोचते हो क्या होता है बाद में। बंदर पर जो कुछ भी थी, बच्चों तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती, तो घर का मालिक राम सुमेर ने डंडा लेकर आता है तो उसको क्या करते हैं, घर में वैसे ही छोड़ देते नहीं, डंडा लेकर मारते हैं। तो बच्चों बताइए आप, बंदर ने यहां क्या गलती किया है, बंदर ने बिना सोच के दोनों हाथ डाल दिए है, उस घड़े का मुंह छोटा है, वह चने नहीं निकाल पा रहे है, उसको देर लगी है, घर का मालिक आकर उसको पीट देता है। इसलिए बच्चों हम जब कोई काम करता है तो हम सोच विचार के काम करना चाहिए, यही हम लालची न करना चाहिए, हम सोच विचार से काम करना चाहिए। क्या बंदर के जैसे आप लालच से घड़े में ड्रोन हटा कर पीट पिटाओगे, नहीं, हम सोच विचार से काम करना चाहिए। ओके, और एक बार नहीं पढ़ूंगा, एक बार देखो, एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर, दिया दिखाई उसको सुने घर में रखा ये घड़ा, हम घड़ा भी बोने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल, घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, और लालची बंदर मन से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते, कोशिश मतलब ट्राई कर रहे, फिर बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। आप खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ भी थी, बच्चों तुम यह बदलाओ, बंदर ने की
क्या गलती, गलती गलती का मतलब क्या है? भूल। क्या मिस्टेक किया है बंदर ने? क्या मिस्टेक किया है बंदर ने? क्या क्या है जो आप डालकर वह समय पूरा बर्बाद किया है, घर के मालिक आके उसको पीटा है। ओके, ये है लालची बंदर। इसको हरिवंश राय बच्चन बच्चन लिखा है। इस पाठ के इस कविता के अंतर्गत हमें याद रखना चाहिए कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, सोच विचार के काम करना चाहिए। ये आपको अंतर्स्थ होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ो। धन्यवाद।